अभी हम लोग मल्टीप्लीकेशन देखेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन में हम लोग एक लाइन में सब गुणा करना देखेंगे और भी आगे कुछ तरीके देखेंगे। पहले हम लोग दो अंक से दो अंक की संख्या को गुणा करना देख लें। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखें और इसको याद रखें और तब हम लोग जल्दी कर सकते हैं। जैसे 57 को 48 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, तो 8 को 7 से गुणा करेंगे यानी 56 आएगा। फिर दूसरे स्टेप में क्या कर रहे हैं, तो 40 और 28 यानी कि 68 68 और तीसरे स्टेप में 5 × 4 यानी कि ये 20 आ जाएगा। तो 6 5 हासिल होगा, कैरी होगा 73 के लिए 3 और 7 यानी कि 2736 आ जाएगा। और भी गुणा हम लोग कर सकते हैं, 84 को 73 से गुणा करेंगे तो ये गुणा करेंगे तो ये 12 आएगा। 24 और 28 ये जोड़ देंगे तो 52 आ जाएगा और ये 56 आ रहा है यानी कि 2 53 का 3 हासिल 5 61 आ जाएगा यानी 6132 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग दो अंक के कोई भी गुणा कर सकते हैं। और भी कुछ तरीके हैं लेकिन ये पहला स्टेप हम लोगों को ये करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। जैसे 83 और 96 को गुणा करना है तो ये 18 आएगा। दूसरे स्टेप में हम लोगों को गुणा करेंगे तो 48 और 27 यानी कि ये 75 मिलेगा और लास्ट में ये 72। तो 8 76 का 6 हासिल 1 7 यानी 79 आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग गुणा कर सकते हैं। दो अंक का तो ये गुणा हो जाएगा, इस फिगर को आप लोग याद रखें। तीन अंक के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो तीन अंक के लिए आप लोग दूसरा फिगर बनाइएगा लेकिन हम यहीं पर बता दे रहे हैं कि तीसरे अंक के लिए हम लोगों को ये करना है, एक स्टेप और बढ़ जाएगा और तीन अंक के लिए हम लोगों को ये फिगर ध्यान रखना होगा। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे तो तीन अंक से दो अंक के गुणा कर सकते हैं। फिर हम लोग तीन अंक से तीन अंक भी देखेंगे। तो जैसे 234 और 58 को गुणा करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले फिगर आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिए। तो 8 × 4 यानी कि 32, 8 × 3 24 और 5 × 4 20 यानी कि जोड़ देंगे तो 44 आ जाएगा। तीसरे स्टेप में क्या है, तो 16 और 15 यानी कि 31 और 5 × 10 अब हम लोग लिख सकते हैं, दूसरा अंक हमेशा हासिल हो जाएगा। तो 32 का 2 हासिल 3, 44 3 47 4 31 4 35 हासिल 3, 10 3 13। और भी गुणा देख सकते हैं, 457 है और ये 73 है तो 7 × 3 यानी 21 आ जाएगा। 15 और 49 यानी कि 64 आ जाएगा। 12 और 35 यानी कि 47 आ जाएगा और लास्ट में ये 28 आएगा। 21 का 1 हासिल 2, 64 और 2 66 हासिल 6, 53 का 3 हासिल 5, 28 5 33। तो इस तरह से हम लोग गुणा कर सकते हैं। कैलकुलेशन का आप लोग ध्यान रखें, काफ़ी तेज़ी से हो जाएगा। हाँ, जब आप लोगों की स्पीड बेहतर हो जाएगी तो ये लिखने की जरूरत नहीं रह जाएगी और इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तीन अंक से तीन अंक के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए आप लोग दूसरा फिगर बनाइएगा। तीन अंक से तीन अंक के लिए एक स्टेप और बढ़ जाएगा। ये होगा हमें तीन अंक से तीन अंक के लिए। जैसे 357 को 432 से गुणा करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो 7 × 14 10 और 21 यानी कि 31। तीसरा स्टेप आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, 6 15 21 और 28 यानी कि 49 आ जाएगा।
9 और 20 यानी कि 29 आएगा और लास्ट में ये आएगा हमें 12। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 4 32 का 2 हासिल 3, 49 3 52 का 2 हासिल 5, 34 का 4 हासिल 3, 12 3 15। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सवाल और देख सकते हैं, 756 और 233 इसको गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो ये आ जाएगा 18। 15 और 18 यानी कि 33। तीसरा स्टेप आप लोग ध्यान से देखें तो 21 और 15 36 और 12 यानी कि 48 मिलेगा। 21 और 10 31 और ये आ जाएगा 14 यानी 18 का 8 हासिल 1, 34 का 4 हासिल 3, 51 का 1 5 हो जाएगा, 36 का 6 हासिल 3, 14 3 17। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सबसे जरूरी है कैलकुलेशन। इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करें, 4 अंक 3 अंक से 4 अंक या 4 अंक से 3 अंक, 4 अंक से 4 अंक भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन 3 अंक से 3 अंक तो आप लोग जरूर करें। आप लोग कैलकुलेशन पर थोड़ा सा काम करें, बाकी आगे भी हम लोग कुछ और कैलकुलेशन से रिलेटेड वीडियो कर रहे हैं। थैंक यू।